हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा प्लॉट साइज है 50 फीट बाय 50 फीट का नक्शा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर आप बात करें तो वो रहेगी 18 लाख रुपए फॉर द ग्राउंड फ्लोर एंड द मामूली। प्लान के की फीचर्स देखेंगे तो किराए के लिए आप इस मकान को बना सकते हैं। पार्किंग एरिया रहेगा आपके पास, लैंडस्केप एरिया है, ड्राइंग रूम रहेगा, किचन रहेगा, मंदिर है आपके पास, डाइनिंग एरिया रहेगा, बेडरूम और बाथरूम देखें तो दो ही दो दो रहेंगे आपके पास। यूटिलिटी एरिया है, 2500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान रहेगा। 277 या फिर 278 गज के अंदर आप इस मकान आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 2 BHK का हाउस प्लान बनाना है अपने किसी खेत के अंदर, बड़े पीस ऑफ लैंड के अंदर, सो आप इस लेआउट को यूज कर सकते हैं। आइए चलेंगे प्लान की तरफ। और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने के बाद ही मिलेगी। खाली सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, बिकॉज अगर आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं या आप अपना मकान बनाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आइए चलेंगे हमारे प्लान की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले देखेंगे आप रोड की फ्रंट साइड से ही आपके पास रोड है इस प्लॉट के, बाकी अदर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं, उसी हिसाब से हमने इसकी प्लानिंग की है। प्लॉट की प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि हर रूम के अंदर आपको विंडो, लाइट एंड वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, इसीलिए हमने जो मकान है वो सेंट्रली लोकेटेड बनाया है। चारों तरफ से इस प्लॉट को ओपन छोड़ा है सो दैट आपका जो मकान है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट एंड वेंटिलेटेड रह सके। प्लॉट एरिया देखेंगे, सो 2500 स्क्वायर फीट का हमने प्लॉट लिया है 277 गज के अंदर। स्लैब एरिया रहेगा आपका 1335 स्क्वायर फीट का, इट मीन्स कि जो लेंटर डलने वाला है वो रहेगा लगभग 1350 स्क्वायर फीट का आपका। ये आपको एंट्रेंस दिखाई गई है दोस्तों, ये आपका मेन गेट है, व्हीकुलर गेट रहेगा, ये आपका पेडेस्ट्रियन गेट है। एंट्री आप करेंगे सीधा पार्किंग स्पेस के अंदर, 1850 बाय 14 फीट का आपको पार्किंग स्पेस मिल रहा है। आराम से यहाँ पर आप अपनी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, फिर भी काफ़ी सर्कुलेशन स्पेस आपके पास बचेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये आपके पास 2 व्हीलर की पार्किंग रहेगी सेपरेट से, सो 16 फीट बाय 7.5 फीट का ये पार्किंग स्पेस है जो कि आप एज ए 2 व्हीलर डिनोट कर सकते हैं। इधर से देखेंगे तो स्टेयरकेस है आपके पास, 3 फीट 3 इंच वाइड स्टेयरकेस है, 10 इंच का आपका ट्रेड रहेगा स्टेयरकेस का। राइजर की बात करें तो आप 6.5 से 7.5 इंच तक का राइजर इस मकान के अंदर रखेंगे। यहाँ से आप अब चलेंगे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस को रन करेंगे, यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे से आप एक्सेस कर सकते हैं पीछे वाला एरिया, पीछे आपका है ये 4 फीट का ओपन स्पेस। पार्किंग से आप देखेंगे आपका ये वरेंडा है दोस्तों, 7.5 बाय 4.5 फीट का वरेंडे का स्पेस है। ये 2 स्टेप्स के बाद आप अपने प्लिंथ लेवल पर एक्सेस करेंगे। वरेंडे से आपके घर की जो है मेन एंट्रेंस है, 4 फीट का मेन गेट है, मेन डोर है आपका ये। यहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं सीधा लॉबी स्पेस के अंदर। लॉबी में आपको इस तरीके से डाइनिंग रखी दिखाई गई है, 10.5 बाय 20 फीट का स्पेस है, काफ़ी लंबा अच्छा बड़ा स्पेस है, इसके अंदर आप इस तरीके से अपनी डाइनिंग रख सकते हैं। सो लॉबी से आप चलेंगे आपके ड्राइंग रूम की तरफ दोस्तों, यहाँ ओपनिंग के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। 11 फीट बाय 14 फीट का स्पेस है ड्राइंग रूम का आपका। ड्राइंग रूम में आप इस तरीके से अपनी सोफा सेटिंग कर सकते हैं, 7 सीटर 9 सीटर तक के आप यहाँ पर अपनी जो सोफा सेटिंग है वो अकोमोडेट कर पाएंगे। विंडो की बात करें तो इस वॉल पे आपको 8 फीट की विंडो दी गई है, नीचे आप देखेंगे सो 6 फीट की विंडो यहाँ पर है, सो क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी आपके ड्राइंग रूम के अंदर दोस्तों। लॉबी से चलेंगे आपका जो है, लॉबी के सामने यहाँ देखेंगे कि आपके पास मंदिर रहेगा, 6 फीट बाय 6 फीट का मंदिर का स्पेस है। ओपनिंग से आप इसको एक्सेस करेंगे, सो यहाँ पर आपको एक मंदिर दिया गया है। इस ओपनिंग से आप आएंगे पैसेज में, पैसेज है आपका दोस्तों 6 फीट बाय 4 फीट का, जिससे आप एक्सेस करेंगे अपनी किचन का एरिया या आप एक्सेस करेंगे अपना यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया की तरफ चले तो 5.5 बाय 10.5 फीट का स्पेस रहेगा। सामने की तरफ आपके पास यहाँ स्लैब रहेगी, इस स्पेस के अंदर आप अपने कपड़े वगैरह धोएंगे, उस तौर पे आप इसको यूज करेंगे एज एन स्टोरेज कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए आप इसको यूज में लेकर आ सकते हैं, किसी भी यूटिलिटी के लिए आप इस स्पेस को यूज में लेकर आएंगे। पैसेज से आप चलेंगे आपकी किचन की तरफ दोस्तों, 12 फीट बाय 10 फीट की आपको किचन का साइज मिलेगा। सो इस तरीके से आपकी एल शेप में किचन की स्लैब रहेगी, बीच में आपका एक वर्किंग काउंटर रहेगा, यहाँ गैस स्टोव है, इधर आपका जो है सिंक रहेगा, इधर आप अपनी डाइनिंग भी अकोमोडेट कर सकते हैं। अटैच आपको एक स्टोर मिल रहा है, ओपनिंग के थ्रू आप इस स्टोर के अंदर एक्सेस करेंगे, 5 फीट बाय 6 फीट का स्टोर रहेगा आपके पास। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो इधर दी गई है, इधर आपके पास सिंक के ऊपर विंडो रहेगी। पीछे की तरफ देखिए तो यूटिलिटी एरिया में भी आपके पास एक ऑप्शनल विंडो है, आप यहाँ पर वेंटिलेटर या विंडो दे सकते हैं।
सो गाइज ये हमारा आगे का एरिया था। पीछे देखेंगे तो ये आपके पास एक कॉमन बाथरूम आ जाता है, 5 फीट बाय 9 फीट का एक कॉमन बाथरूम है, यहाँ से आप इसको एक्सेस करेंगे। सो अगर कोई गेस्ट आता है उसको अगर आपका बाथरूम यूज करना है तो वो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 5 फीट बाय 9 फीट के अंदर 9 फीट की आपकी लेंथ रहेगी बाथरूम की। सो 3-3 फीट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 फीट बेथिंग एरिया के लिए आप छोड़ेंगे, 3 फीट का स्पेस आप देंगे अपने WC को, 3 फीट का स्पेस देंगे आप अपने वॉशेशन काउंटर को। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटर दिया गया है। नीचे की तरफ से देखेंगे तो चलेंगे आपके पहले बेडरूम की तरफ, 12 फीट बाय 14.5 फीट का बेडरूम का आपको साइज मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करें, सामने वाली टीवी वॉल पे टीवी पैनलिंग करेंगे। बेड के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वार्डरोब दी गई है दरवाजे के सामने। बेड के पीछे देखेंगे तो 6 फीट का क्लियर स्पेस छोड़ते हुए आप अपनी 2-2 फीट की स्लेट विंडोज दे सकते हैं। सो विंडो के साइज की अगर आप बात करें तो 2 फीट की ये चौड़ाई में रहेंगी, और हाइट देखेंगे तो नीचे से आप इसका जो सिल लेवल है वो 2 फीट पे रखें और ऊपर लेंटल लेवल 8 फीट पे रखें सभी दरवाजों खिड़कियों का। इधर देखेंगे तो आपके पास 8 फीट की विंडो रहेगी, हम यहाँ पर आपको स्लाइडिंग विंडो देने वाले हैं। सो 8 फीट बाय 8 फीट की आप स्ट्रक्चर वाइज क्लियर ओपनिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्लाइडिंग विंडोज लगवा सकते हैं UPVC या इस तरीके के। सेकंड बेडरूम में देखेंगे दोस्तों, लॉबी से आप चलेंगे आपके सेकंड बेडरूम के अंदर। सो 11 फीट बाय 14.5 फीट का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इधर इस तरीके से आप बेडिंग करेंगे, सामने टीवी पैनलिंग करवा लेंगे। बेडरूम के बेड के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो दरवाजे के सामने आपको वार्डरोब मिल रही है। सो इधर आप अपनी 7 फीट की अलमीरा दे सकते हैं दोनों ही बेडरूम्स में, इधर आप अपनी 8 फीट की दे पाएंगे, इधर आप अपनी 7 फीट की जो है अलमीरा की लेंथ आप दे पाएंगे। बेड के पीछे देखेंगे तो इधर आपके पास 2-2 फीट की स्लेट विंडोज रहेंगी, इधर आपके पास रहेगी 8 फीट की स्लाइडिंग विंडो। अटैच बाथरूम मिल रहा है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे 5 फीट बाय 9 फीट के टिपिकल बेड हमारे बाथरूम के साइज के अंदर। लेआउट की अगर आप बात करें तो दरवाजे के सामने यहाँ वॉश बेसिन काउंटर रहेगा आपके पास, दरवाजे के सामने इधर आपके पास रहेगी WC, पीछे रहेगा आपका बेथिंग एरिया, इधर आप देंगे अपना वेंटिलेटर। वेंटिलेटर आप कोशिश करें कि जो हमने दिखाया है इस तरीके से ना दें, वेंटिलेटर आप दें इधर, एक वेंटिलेटर आप छोटा इधर दें, दोनों ही तरफ वेंटिलेटर दें। वॉश बेसिन के सामने इधर आप अपना लगवाएं मिरर, बिकॉज वॉश बेसिन के सामने मिरर होना काफ़ी ज़रूरी है। सो मिरर के दोनों तरफ आप अपनी 1-1 फिट की स्लिट्स वेंटिलेटर प्रोवाइड करें, सो दैट कम्प्लीट ये बाथरूम जो है वो वेंटिलेट हो सके और आपका मिरर भी लग पाए। पीछे देखेंगे तो 3 फीट 8 इंच का आपका ये है यूटिलिटी एरिया, कपड़े वगैरह धोने के लिए आप पीछे सुखा सकते हैं, स्पेस को एज एन यूज कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे तो हमने आपको दिया है 9 फीट का ओपन स्पेस, ये हम एज एन यूज करेंगे लैंडस्केप एरिया के तौर पे। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हमने इसको एज एन लैंडस्केप एरिया यूज किया है। सो 50 फीट बाय 50 फीट के अंदर 2500 स्क्वायर फीट के अंदर आप ये जो नक्शा है ये बना सकते हैं। 2 BHK हाउस प्लान विद बैठक, किसी खेत के अंदर अगर आपको 2 BHK का कमरे का 2 कमरों के मकान का नक्शा चाहिए तो आप इस प्लान को यूज में लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर आपके पास सेपरेट एक यूटिलिटी एरिया है, कपड़े धोने की जगह एक अलग से है, पूजा करने का एक स्पेस अलग है, किचन का अलग है, स्टोरेज अलग है। सो कंप्लीट एक पैकेज है ये मकान, काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ हमने आपको ये निकाल कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि प्लान कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं या आप अपना मकान बनाने वाले हैं, बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं आगे बनाने के लिए, सो ये चैनल आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसी तरीके के हमारे काफ़ी सारे हाउस प्लान्स हैं हमारे चैनल पे, आप उनको विजिट करें, देखें। आपके कोई किसी प्लान में क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम रेगुलर बेसिस पे काफ़ी जल्दी आपको कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ आपको अपना कोई नक्शा बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारी Gmail ID भी अवेलेबल है। सो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।